नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल टॉप अर्निंग टिप्स और मैं हूं आपके साथ धर्मवीर सिंह। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं नोटबुक मेकिंग बिजनेस के बारे में। नोटबुक आजकल एक ऐसी चीज़ हो गई है जिसका इस्तेमाल स्कूल कॉलेजों में बच्चों के द्वारा तो किया ही जाता है, साथ ही साथ इसके इस्तेमाल और बहुत सी अन्य जगहों पर भी किया जाता है। लेकिन हम मान लें कि हमें सिर्फ स्कूल कॉलेज या फिर पढ़ने वाले बच्चों के लिए ही नोटबुक बनानी है तो भी आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं। इस बिज़नेस को शुरू करने के बाद आप लगभग साल में 9 से 10 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। तो आज हम आपको यहां दिखाएंगे इस बिज़नेस के बारे में कि कैसे इसको शुरू किया जा सकता है और क्या क्या इसकी आवश्यकता रहेगी, मशीनों की या किसी चीज़ की, या फिर इसका प्रोसेस क्या है। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के ठीक नीचे सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी जरूर दबा दें जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और बेल आइकन दबाते हैं तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप एक नोटबुक या फिर एक कॉपी बनाते हैं तो उसका खर्चा आपको लगभग 11 से 12 रुपए के बीच में बैठता है और होलसेल में जिसकी कीमत लगभग 15 रुपए होती है। आप इसको अगर होलसेल करना चाह रहे हैं, होलसेल में बेचना चाह रहे हैं तो 15 रुपए की आराम से बिक जाती है और यहाँ आपको बचत होती है एक पर लगभग 3 रुपए। ये इसको बेचना कोई खास ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सभी जगह स्कूल कॉलेजेस और बुक की शॉप होती हैं, आप वहाँ इसको इजीली बेच सकते हैं। अगर आप गांव देहात में अगर इसको सेल करते हैं तो आपको प्रॉफिट कुछ ज़्यादा ही होगा। यहाँ जो काम होता है वो 3 प्रोसेस में मान लीजिए पूरा हो ही जाता है। सबसे पहले हमें जो कागज़ होते हैं वो आपको ख़रीद के या परचेज़ करके लाने होते हैं, उनको इकट्ठा करने के बाद और उस पर सबसे पहले काम किया जाता है पंचिंग का। पंचिंग तो आपको अब दिखाते हैं कि कैसे पंचिंग की जाती है। जब मशीन से आप पंचिंग कर देते हैं यानी कि एक रजिस्टर टाइप से बन जाता है, पंचिंग के बाद इसको फिर नेक्स्ट प्रोसेस के लिए लेके जाया जाता है नई मशीन के पास, तो जिसको कहते हैं एज स्क्वायर मशीन। यहाँ पर इसको नीचे से चौकोर किया जाता है, इसको बिल्कुल स्क्वायर किया जाता है, इसको बोलते हैं एज स्क्वायर मशीन। जितनी भी आपने पंचिंग की है उनको इकट्ठा करके इस मशीन में लगा दिया जाता है जहाँ से ये नीचे से बिल्कुल चौकोर होकर निकल जाती है। जब नोटबुक को स्क्वायर कर लिया, बिल्कुल फिक्स हो गया, तो उसके बाद उसको कटिंग करना होता है। कटिंग के लिए इसको कटिंग मशीन के पास लेके जाया जाता है जहाँ पर हमें तीनों साइड से इसको काट लिया जाता है, एक परफेक्ट लुक दिया जाता है, एक फिनिशिंग दी जाती है। और काटना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत ईजी है और कोई भी एक बंदा इसको ऑपरेट कर सकता है। और यहाँ आप देख रहे हैं दो मशीनों को, दो बुक्स को या नोटबुक को हम काट के दिखा रहे हैं, लेकिन आप यहाँ दो से ज़्यादा भी रख सकते हैं। ये तो सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहाँ दो ही रखी हैं। इस बिज़नेस को शुरू करना हालांकि थोड़ा महंगा भी आपके लिए साबित हो सकता है, क्योंकि यहां आपको 3 से 4 मशीन लेनी होती हैं और इनकी टोटल कॉस्ट लगभग 4 लाख से ज़्यादा ही है। 4 से 6 के बीच में आपको टोटल कॉस्ट पड़ेगी इन मशीनों की। अगर आपके पास पैसा है और आप ये बिज़नेस करना चाहते हैं, आपको लगता है कि ये बिज़नेस मुझे करना चाहिए, तो मैंने इसके बारे में आप अगर कुछ जानकारी भी चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने कंपनी का नंबर दिया हुआ है, आप वहां से नंबर लेकर के रॉ मटेरियल या मशीन के संबंध में आप उनसे जानकारी ले सकते हैं।
साथ ही साथ अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके शेयर करना भी ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जैसे दिखने वाले बटन को भी जरूर दबा दें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का भी नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम आपके लिए ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ लेकर आते रहते हैं। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो आपको सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में एक नए बिजनेस प्लान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।